इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ओडिशा में ट्रेन हादसे में करीब 50 लोगों की मौत की जानकारी है। ट्रेन हादसे में 350 यात्री घायल बता रहे हैं जिनका इलाज जारी है। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की भी घोषणा हो गई है। आवड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस NDRF मौके पर पहुंची है। एयरफोर्स को भी अलर्ट किया गया है। साथ ही जो एक इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये कि ट्रेन हादसे की गंभीरता को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है। तस्वीरें जो आ रही है वो काफी विचलित करने वाली है। इंडियन एयरपोर्ट को भी इस काम में लगाया गया है। रेस्क्यू एयर लिफ्टिंग के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद की ली जा रही है। पहली ट्रेन पटरी से उतरी, दूसरी ट्रेन भिड़ गई और इस भिड़ंत के बाद जानकारी मिल रही है कि 50 के करीब लोगों की जान चली गई है और 350 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यह हादसा जिस जगह पर हुआ है वहां पर अभी लगातार कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद के लिए पहुंचा जाए। लेकिन इस पूरे हादसे में जिस तरह की स्थितियां ट्रेन की बोगियों की हुई है, ऐसे में बहुत नुकसान की जानकारी है जिसमें जानमाल का नुकसान हुआ है। 50 लोगों की मौत हो गई है और 350 के करीब कहा जा रहा है कि लोग घायल हैं।